नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हम पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। तो पहले थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं जनजातियों का। सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थापित है। ठीक है, रायपुर में स्थापित है, रायपुर जिला में। जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। ठीक है, कहाँ है जनजातियों की सूची? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं जो 161 उप समूह में विभाजित हैं। ठीक है, 161 उप समूहों में विभाजित हैं। ठीक है, मतलब 42 जनजातियाँ हैं और उसके और सब हेड है। ठीक है, मतलब और उपजातियाँ हैं, जातियों की भी उपजातियाँ हैं। जनजातीय संबंधित सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति है और इसके आगे 3 लगा दीजिए तो 342, तो अनुच्छेद 342 में इनका वर्णन है। जनजाति संबंधी सूची का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रकार की है। किस प्रकार की है? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रकार की है। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में के जनजातियों में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? गौड़। ठीक है, गौड़ जनजाति सबसे बड़ा ये जनजाति समूह है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति भी गौड़ है और मध्य छत्तीसगढ़ की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ ज़्यादातर निवास करती हैं। मतलब ये अगर छत्तीसगढ़ है तो यहाँ ये पूरा मैदानी क्षेत्र में इतने ज़्यादा जनजातियाँ निवास नहीं करती हैं। या तो आपको उत्तर साइड देखने को मिलेंगे या फिर दक्षिण साइड देखने को मिलेंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखिए, निजाति म्यूज़ियम या एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम, ये जगदलपुर में है। कौन से? जगदलपुर में। तो देखिए, स्थापना हुआ है 1972 में, स्थान जगदलपुर। किसके द्वारा? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसका स्थापना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निजाति म्यूज़ियम कहाँ है? तो जगदलपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई। स्थान कहाँ? जगदलपुर में। किसके द्वारा किया गया? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ देखते हैं। आशय, वे जनजाति समूह जो अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं या जनजाति समाज के मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, निर्धारण कैसे होता है? तो इनकी निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। ये कुछ पॉइंट्स, उनके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि वो विशेष पिछड़ी जनजाति है कि नहीं। तो पहला है साक्षरता दर में अधिक कमी, दूसरा जनसंख्या घट रही या स्थिर है, तीसरा आदिम जीवन पद्धति, चौथा आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की तकनीकी पद्धति इत्यादि होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं संख्या क्या है। तो छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, 5+2। 5 कैसे? तो 5 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजाति हैं और राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 जनजाति हैं। इसको आप याद रखिए, 5 को कैसे याद रखेंगे? देखिए, 5 ये आपको आसानी से याद होगा, क्या कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ऐसा है, देखिए इमेजिन करिए एक बैगा है ना, बैगा। तो बैगा क्या कर रहा है? एक पहाड़ है। तो बैगा क्या कर रहा है? अपने कमर में है ना, ये समझ लीजिए बैगा है। तो बैगा अपने कमर में किसको लेके? बरहा। बरहा एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, बरहा जानते होंगे, बरहा एक प्रकार का जानवर है। तो बैगा क्या कर रहा है? एक बैगा है, बैगा मतलब बैगा वाला बैगा, ठीक है, जो झाड़ फूँक करता है। तो बैगा क्या कर रहा है, समझ लीजिए, बली वली देने के लिए कुछ भी। तो बरहा को अपने कमर में पकड़ के कहाँ चल रहा है? पहाड़ में है, और वो भी कैसे? तो जानबूझ के। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा, जानबूझ के बैगा बरहा ला धर के कमर में पहाड़ी में चढ़ी। ठीक है, या पहाड़ी में चढ़ा, इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़िया में भी याद कर सकते हैं। जानबूझ के बैगा अपने कमर में बरहा को पकड़ के पहाड़ी में चढ़ा। ठीक है, जानबूझ के बैगा कमर में बरहा को पकड़ के पहाड़ी में चढ़ा। तो जानबूझ के मतलब अबुझ माड़िया, जानबूझ अबुझ। तो जानबूझ के अबुझ माड़िया, बैगा तो बैगा, कमर में से तो कमार जनजाति, बरहाला मतलब बरहा से याद रखिएगा बिरहोर, और पहाड़ी में चढ़ा मतलब पहाड़ी कोरवा। तो ये 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी? अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा।
ठीक है। और दो राज्य सरकार द्वारा घोषित है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, वो कौन कौन से हैं? भुंजिया और पंडोप, ठीक है, भुंजिया और पंडोप, ठीक है। अब नोट देखिए, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। कोरवा जनजाति की 2 उपशाखा है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा, इनका निवास मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, और दूसरा दिहाड़ी कोरवा, निवास इनका मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। सिर्फ कोरवा नहीं, कोरवा की बात नहीं हो रही, कोरवा में भी 2 हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी। तो पहाड़ी जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, दिहाड़ी नहीं है, ठीक है, क्लियर, इतनी बात याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय देखते हैं। तो ये देखिए लाइन से 42 प्रकार के जनजाति हैं ना, सब ये दिया हुआ है लाइन से, अगरिया, अंध, बैगा, भैना, बतरा, भील मैना, भुंजिया, बिहार। तो आप एक बार इसको रीड मार लीजिएगा, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, आगे जब हम प्रत्येक जनजाति के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सब याद हो जाएंगे, तो आप एक बार इसको रीड मार लीजिएगा, ठीक है। अब जनजाति समुदायों का जिलेवार विवरण देखिए, ये भी जनजाति समुदाय का जिलेवार जो विवरण है, जैसे गौड़ जनजाति निवास क्षेत्र में जिला कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, ये सब एरिया में है, तो ध्यान दीजिएगा इसको किस तरीके से याद करना है, इसको ना एरिया वाइज याद करना। जैसे ये छत्तीसगढ़ है, अब अगर गौड़ 5 जिलों में मुख्यतः निवास करते हैं, इधर ऊपर के, इधर नीचे के, इधर, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आपने गौड़ का तो चलिए याद कर लिया 5 जिले, फिर हलबा का भी याद कर लिया, फिर मुड़िया के भी अलग 5 जिले आते हैं। ऐसे 42 प्रकार के जनजाति हैं, जिसमें आपको मुख्यतः 30 जनजातियों के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 30 जनजातियों कैसे 5-10 जिले में याद करेंगे क्या? नहीं, तो ये तरीका गलत है याद करने का। देखिए यहाँ देखिए, खुद ये इतने सारे जिलों में निवास करता, तो ऐसा नहीं, सीधे हमको क्या करना है, ये आपको ये छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है। अगर मान के चलिए गौड़, मैं सीधा बता दूंगा कि नीचे साइड मिलता है, अब एक ही चीज़ याद रखना, नीचे साइड गौड़ कहाँ पाए जाते हैं, नीचे तरफ, ठीक। तो नीचे तरफ जितने भी जिले होंगे, बस्तर हो गया, कोंडागांव हो गया, ये सब, तो अगर आप नीचे तरफ याद कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार देता है कि निम्नलिखित जिलों में कहाँ बैगा निवासरत नहीं है, या हलवा निवासरत नहीं है, या मुड़िया निवासरत नहीं है, ठीक है, तो आपको क्षेत्र मालूम रहेगा, जैसे या तो ऊपर रहते होंगे या नीचे रहते होंगे। तो समझ लीजिए ऑप्शन दिया 4, 3 ऑप्शन इधर के जिले रहेंगे, चौथा ऑप्शन ये रहेगा, तो आप आराम से पकड़ सकते हैं कि चौथा ऑप्शन ही आंसर है इसका, क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये यहाँ से आपको मैं सीधा जब डिटेल पढ़ेंगे एक एक जनजाति का, तो वहाँ से मैं याद करा दूँगा, ठीक है। अभी इस पार्ट को हम लोग स्किप कर रहे हैं, ये बहुत सारा है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों का वितरण भी, ये देखिए ये मैप के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये देखते हैं बस्तर अंचल की बोली, तो बस्तर अंचल की बोली कौन कौन सी है, गोड़ी है, दोरली है जो कि सुकमा क्षेत्र में विशेष बोली जाती है, दोरी, दोरली, फिर हलबी है, भतरी है और पर्दी है। तो बस्तर अंचल की मुख्य संपर्क बोली क्या है, हलबी। उराव जनजाति की मुख्य बोली क्या है, कुड़ुक, ठीक है, उराव जनजाति की मुख्य बोली क्या है, कुड़ुक। कोंदा जनजाति की बोली क्या है, कुई, ठीक है, कोंदा जनजाति की बोली क्या है, कुई। जसपुर क्षेत्र की बोली क्या है, सदरी, ठीक है, जसपुर क्षेत्र की बोली क्या है, सदरी है। चलिए ठीक है, इस मैप का सारा हम लोग लेंगे, आगे लेंगे जनजातियों की उपजातियाँ, ठीक है, ये वाला पेज याद करते हैं। जनजातियों की उपजातियाँ, छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जिनकी 161 उपजातियाँ हैं, जिसमें सर्वाधिक गौड़ समुदाय की 41 उपजातियाँ, याद रखिएगा गौड़ समुदाय की कितनी उपजातियाँ हैं, 41 उपजातियाँ हैं। कुछ जनजातियों का उपजाति निम्नानुसार है, पहला उराव, तो उराव का है कुड़ास, किसान, धांगड़, धनका और कुड़ुक। तो कुड़ुक तो उनकी बोली है, तो वहाँ से कुड़ुक याद रह जाएगा, धनका भी याद है, धांगड़ भी याद हो जाएगा, किसान भी याद आ जाएगा और कुड़ास भी याद आ जाएगा, ठीक है। तो कुड़ुक कुड़ास मिलता जुलता है, फिर का से किसान भी है, धनका में भी का लगा हुआ है और धांगड़, तो ये सब उराव की उपजातियाँ हैं, याद रहेगा। फिर गौड़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उराव का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौड़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौड़ का देखते हैं। गौड़ का है अबुझ माड़िया, मुड़िया, माड़िया, तो ये सब मुड़िया माड़िया सिमिलर है, ठीक है, अबुझ माड़िया, मुड़िया माड़िया, फिर पांडल, अगरिया, डोरला, कंतरा, कंडरा, प्रधान, ओझा और कोइकपाल, इतने सारी ये किसकी उपजातियाँ हैं, गौड़ की, फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसे देखते हैं, कोइकपाल, ओझा, प्रधान, कंडरा या कंतरा, डोरला, अगरिया, पांडल, माड़िया, मुड़िया और अबुझ माड़िया, ठीक है। फिर कंवर देखते हैं, तो कंवर का तंवर, कंवर से तंवर,
पैकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर और छतरी। ठीक है, तंवर, पैकरा, राठिया, चेरवा, दूध कंवर और छतरी ये सब कंवर की उपजातियाँ हैं। आगे देखते हैं बैगा की। बैगा की बिंजवार, घरौतिया, नरौतिया, राई, कोड़वन, कुंडी, रैमेना, बादमैना और नहारी ये सब किसके हैं? बैगा के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए देखिए इसको दो तीन आपको मैं याद करा देता हूँ ट्रिक के माध्यम से। बैगा जो जो इम्पोर्टेंट है, बस से बैगा और बस से बिंजवार, तो बिंजवार याद रखिएगा बैगा का है। ठीक है, घरौतिया, घरौतिया से याद रखिए घर, बैगा को याद रखिए बैगा से। तो बैगिया जब बैगा कई गाँव में या कई कई शहरों में भी पहले डॉक्टर को नहीं दिलाते दिखाते, कुछ बीमारी हो गया तो घर पे किसको बुलाते हैं? बैगा को। तो कौन आता है घर पे? बैगा। घर पे कौन आता है? बैगा। ठीक है, घर पे कौन आता है? बैगा आता है। तो बैगा से बैगा हो, बैगा हो जाएगा और घर से घरौतिया। अब घरौतिया का राइमिंग वर्ड है नरौतिया, तो बिंजवार, घरौतिया, नरौतिया, तो बैगा से आप याद रख सकते हैं। साथ में राई, कोड़वन, कुंडी, रैमैना, बादमैना, नहार। अब हलवा का उपजातियाँ हैं छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मराठिया। सब या, तो ये सब इसे याद रखिए। तो छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मराठिया ये सब हलवा की उपजातियाँ हैं। आगे देखते हैं भुंजिया। तो भुंजिया का है चौकुटिया और चिंदा भुंजिया। ठीक है, भुंजिया का कौन कौन से? चौकुटिया और चिंदा भुंजिया। भिंजवार की उपजाति देखते हैं तो सोनझरा, बिरजिया, भिंजिया। ठीक है, भिंजवार की कौन कौन सी? सोनझरा, बिरजिया और बिंजिया। गदबा की है बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। ठीक है, बोदो, कथेरा, पारंगी और कापू। फिर कंडरा का है झरिया तथा कनौजिया। ठीक है, कंडरा का कौन कौन से हैं? झरिया तथा कनौजिया। फिर मुरिया का है गोटुल मुरिया, राजा मुरिया और जोहरिया मुरिया। ठीक है, ये तीन याद रखिएगा, गोटुल मुरिया, राजा मुरिया और जोहरिया मुरिया, ये मुरिया की उपजातियाँ हैं। बिहार का है बहरिया और दखिनाहा। बिहार का क्या क्या है? बहरिया और दखिनाहा। कोल का है गवटिया और भूमिया। कोल का क्या क्या है? गवटिया और भूमिया। सौता का है छत्तीसगढ़िया सौता और उड़िया सौता, छत्तीसगढ़िया सौता और उड़िया सौता। कोंद का है डोंगरिया और कुटिया, पेंगा और जामिया। ठीक है, कोंद का है डोंगरिया, कुटिया, पेंगा और जामिया। क्लियर। जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण, जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मूल रूप से राज्य में आदिवासी तीन भाषा परिवार में विभाजित हैं, कौन कौन से? तो देखिए, एक मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। ठीक है, मुंडा, द्रविड़ और आर्य भाषा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सबको याद करते नहीं बैठ रहना है, हमको याद रखना है मुंडा का, किसका? मुंडा का, द्रविड़ का, उसके अलावा जो बचा वो सब आर्य में है। ठीक है, तो देखिए मुंडा का है कोरकू, पहाड़ी कोरवा, खड़िया, मांझी, संवरा, निहाल, बिरहोर, नगेशिया और सौता, ये सारे के सारे मुंडा भाषा परिवार के हैं। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार के कोरकू, पहाड़ी कोरवा, खड़िया, मांझी, संवरा, निहाल, बिरहोर, नगेशिया और सौता। ठीक है, अब इसका देखिए ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से मैं आपको याद करा देता हूँ। इसको याद रखना आपको मुंडा भाषा परिवार, ऐसे याद करेंगे तो नहीं होगा। इसको देखिए याद करिए, अब मान के चलो मुंडा से याद रखिएगा मुंडी, मुंडा से याद रखिएगा मुंडी या गुंडा, मुंडा या गुंडा दोनों से याद रख सकते हैं। मैं आपको गुंडे से बताता हूँ, मुंडा मतलब गुंडा। अब गुंडा ज़्यादातर धमकी देते हैं ना, तो कैसे धमकी देंगे? वो बोलेंगे सुन बे कोरकू। ठीक है, सुन बे कोरकू, सुधर जा या संवर जा, सुधर जा बोलते हैं ना, सुधर जा। सुन बे कोरकू, संवर जा या सुधर जा, सुन बे कोरकू, संवर जा। ठीक है, सुन बे कोरकू, संवर जा, आती माझी सटकली, ऐसे बोलते हैं ना मराठी में, डायलॉग है बहुत फेमस, आता माझी सटकली तो तेरे को खड़ा करके मारूंगा। ठीक है, सुन बे कोरकू, इतना लिखिए, सुन बे कोरकू, संवर जा, नहीं तो आता माझी सटकली, तो माझी से माझी का बस कोडवर्ड है, आता माझी सटकली, तो माझी सटकली तो तेरे को खड़ा करके मारूंगा। ठीक है, तो सुन से सा से है सौता, सुन मतलब ना से है नगेशिया, सौता नगेशिया, बे से है बिरहोर, सुन बे, सु से सौता, ना से नगेशिया, ब से बिरहोर, सुन बे कोरकू, को से कोर के कोरकू मतलब को से कोरकू ही हो गया,
और कोरवा भी हो गया, कोरवा मतलब पहाड़ी कोरवा और कोरिया। फिर संवर जा तो संवरा, ठीक है, संवर जानी तो आता माझी सटकली तो बहुत खड़ा करके मारूंगा तेरे को, तो माझी से मांझी, ठीक है, मांझी, और खड़ा से खड़िया, याद रहेगा, ठीक है। तो ये सवेरे मैंने ट्रिक से माध्यम से बता दिया, सुन बे कोरकू, ठीक है, संवर जा नहीं तो आधा माझी सटकली तो खड़ा करके मारूंगा, ठीक है, तो खड़ा से खड़िया भी है ना, इतना याद रहेगा। फिर द्रविड़ भाषा परिवार देखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारे मुड़िया माड़िया अड़ा 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 है, ठीक है, मुड़िया माड़िया गुड़ी, फिर अबुज माड़िया डंडामी माड़िया, तो ये सब माड़िया 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 माड़ करके तो पांच लोग तो यहीं हो गए, ठीक है, अड़ा अड़ा, तो मुड़िया माड़िया गोड़ी अबुज माड़िया और डंडामी माड़िया, उसके अलावा दुर्वा परजा कोंद उराव और दुरला, ये सबको याद रखना, दुरला सॉरी परजा उराव कोंद दुरला दुर्वा, ठीक है। अब देखिए द्रविड़ भाषा परिवार का बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ, कैसे आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए ये माड़िया मुड़िया और गोड़ी और दंडामी माड़िया अबुज माड़िया, ये सबको तो पांच को तो अलग से याद रखिएगा। फिर उराव परजा कोंद दोरला और धुरवा, इसको मैं याद कराता हूँ, इसको कैसे याद रखेंगे, द से द्रविड़, द से दोपहर, मैं इधर लिख देता हूँ, द से द्रविड़, द से दोपहर। अब दोपहर में क्या पड़ता है, धूप पड़ता है, धूप पड़ता है, ठीक है, दोपहर में क्या धूप पड़ता है, तो द से द्रविड़, द से धूप, सॉरी दोपहर, ठीक है, तो दोपहर, दो से है दोरला, दो से है दोरला, ठीक है, दोपहर दोरला। अब ये पहर से परजा भी याद रख सकते हो आप, धूप में तीन छुपे हैं, या तो दोपहर में दो से दोरला याद कर सकते हैं, पड़ता है तो परजा, पड़ता है से परजा, दो से दोरला, दोपहर मतलब दोरला, पड़ता है परजा, धूप में तीन छुपे हैं, ध से है आपका धुरवा, फिर धू मतलब धुरवा ये, और ऊ भी आ रहा तो ऊ से उराव है, और प से है आपका, अच्छा परजा पहले से ही यूसे एक कोंद को अलग से याद कर लीजिए, ठीक है, दोपहर को, दोपहर को धूप, परजा से याद रखिए, दोपहर को धूप, तो को भी बीच में आ जाएगा, तो को से कोंद याद रखिए, दोपहर मतलब दोरला और पहर से परजा भी कर सकते हैं, दोपहर को धूप करके, तो दोपहर मतलब दोरला, पहर से परजा, को से कौन, दोपहर को धूप। अब धूप में तीन शामिल है, ध से मतलब धू से आपका हो जाएगा आपका धुरवा, फिर ऊ आ रहा है उससे उरा हो जाएगा, और प से है आपका परजा, ठीक है, तो यूज हो ही आ जा रहा है, ठीक है। फिर आर्य भाषा परिवार, तो जो बच्चा सब आर्य में डाल दीजिएगा। फिर गोदना टैटू कौन कौन से देख लेते हैं, तो गोदना शिल्पकार कौन कौन से हैं, कौन कौन बनाते हैं, तो एक कुंजर बनाती है, बंजारा बनाते हैं, और ओझा है ना, कुंजर बंजारा और ओझा ये बनाते हैं। फिर गोदना प्रिय जनजाति, जिसको मतलब गोदना प्रिय बहुत है, बहुत प्रिय है गोदना, तो ये बैगा है गोदना प्रिय जनजाति, और सर्वाधिक गुदवाने वाली जनजाति है कमार, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ज़्यादा सबसे ज़्यादा टैटू कहाँ गुदवाते हैं लोग, कमर में, ठीक है, कमर में ज़्यादा गुदवाते हैं, फॉरन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कमर में ही गुदवाते हैं, इस तरीके से याद रखते हैं। सर्वाधिक गुदवाने वाली जनजाति कमार, और कौन गुदता है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी, बैगा, ठीक है, और बाकी गोदना शिल्पकार कौन कौन से, कुंजर बंजारा हुआ ओझा। नोट क्या है, झेला गोदना बैगा जनजातियों की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती हैं, कौन सा, झेला गोदना, ठीक है, झेला गोदना बैगा जनजातियों की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती हैं। आगे देखते हैं, आखिर पेज है, अविशेष संस्थाएं हैं, देखिए बस्तर दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये इसकी स्थापना मई 2004 में हुई है, इसका मुख्यालय जगदलपुर। सरगुजा उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसका भी स्थापना मई 2004 में हुई है, और मुख्यालय है अंबिकापुर, ठीक है। फिर ये प्राधिकरण है दो, और केंद्रीय अभिकरण है छः, है ना, इसको देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकासकरण अभिकरण, तो ये है कवर्धा, कवर्धा जिले में इसका मुख्यालय है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये छत्तीसगढ़ है ना, यहीं से याद कर लीजिए, ये मैकल श्रेणी पड़ता है, तो यहाँ पे मुंगेली कवर्धा राजनांदगांव ये सारे एरिया मैकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो बैगा का आप याद रखिए कि वो मैकल श्रेणी में रहते हैं, मैकल श्रेणी में ही एक कवर्धा भी है जो वृष्टिछाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, वृष्टिछाया जिला पड़ता है, तो बैगा विकास अभिकरण कवर्धा में। अबुज माड़िया रहते हैं नारायणपुर में, तो अबुज माड़िया नारायणपुर में उसका मुख्यालय है, 2009 में बने तीनों, 2009 में बने, ठीक है। फिर कमार विकास अभिकरण कहाँ है, गरियाबंद, तो कमार लोग का मुख्यतः निवास कहाँ है, गरियाबंद, तो इसको गोरा गोरा कमर करके याद करिए, गोरा गोरा कमर, तो गोरा कमर से, कमर से तो कमार जनजाति याद रह जाएगी, और गोरा से गरियाबंद, ठीक है। फिर विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा अंबिकापुर में, तो
अम्बे माँ कहाँ रहती है, ज़्यादातर पहाड़ में रहते हैं, जैसे डोंगरगढ़ हो गया, कहीं भी आप जाओगे रतनपुर हो गया, तो पहाड़ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं भी होगा, पर रतनपुर में पहाड़ है कि नहीं मेरे को याद नहीं है, बाकी पहाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं। तो आपका अम्बे माँ अंबिका से अम्बिकापुर और पहाड़ी में रहती हैं, ठीक, पहाड़ी कोरवा, अम्बे माँ पहाड़ी में, तो पहाड़ी कोरवा कहाँ है, अंबिकापुर में। विशेष विशेष जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, यहाँ बिरहोर भी जुड़ जा रहा है, तो वो जसपुर में आपका, और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, तो ये बिलासपुर में, बैगा और बिरहोर दोनों आ जाएंगे तो ये बिलासपुर में है, ठीक है, और खाली बैगा रहेगा तो कवर्धा में है, और ये मैप के माध्यम से बस बता दिया है। फिर राजकीय अभिकरण दो है, पंडोप, तो ये अंबिकापुर में है, पंडोप कहाँ है, पंडोप विकास अभिकरण अंबिकापुर में, और भुंजिया विकास अभिकरण कहाँ है, रायपुर में, ये 2002-2003 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये कैसा लगा ये वीडियो पार्ट, आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, अपने सकारात्मक सुझाव यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।